हाँ जी, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एक लोगों को मैं और लेकर के खड़ा हूँ, तो किस लिए खड़ा हूँ आप थंबनेल देख करके वैसे तो अनुमान लगा लिए होंगे कि आज किस चीज के बारे में बात होने वाला है। तो आज आपका असम राइफल में जितने लोगों का हाफलॉन्ग में गया है, किंग ट्रेड का गया है, जो लोग वॉशरमैन का फॉर्म फिल किए हैं, उन सभी लोगों का आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कहाँ पे होगा आपका हाफलॉन्ग में। तो रनिंग भी आपको वहीं पर करनी है, तो रनिंग के लिए वहां पर आपका ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड पर रनिंग होगा कि रोड पर रनिंग होगा, जो जैसा पिछले बार हुआ था उसी आधार पे इस वीडियो में बात होगा कि कैंडिडेट यही कैंडिडेट है जो कि गए थे आपके हाफलॉन्ग में। और रनिंग का ग्राउंड कैसा है अभी नहीं से जानते हैं। आप सभी लोगों का एक कमेंट आया था, एक दो कमेंट आए थे और टेक्स्ट भी आया था, मेल भी आया था, इतना याद नहीं है। पूछा कैंडिडेट ने पूछा था कि इतना इंफॉर्मेशन काफी नहीं है एक वीडियो, मतलब मैं बताया था कि आपका असम राइफल में जो है कि कौन कौन से जगह पे ट्रेड का आपका सेंटर गया हुआ है। तो उसमें क्या था कि कैंडिडेट बोल रहे थे जो आप मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ वो उतना काफी नहीं जितना उनको चाहिए। और मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग उस सेंटर पर जाना चाहते हैं, अगर किसी कैंडिडेट को मैं लेकर के आता हूँ तो उससे एक आपके अंतर्गत यह होता है कि हाँ, एक कैंडिडेट आके जो वहां का बोल रहा है, तो मैं उसके बारे में आपसे आज इन कैंडिडेट से बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप हाफलॉन्ग में किस स्टेट के लिए 2021 में गए थे? सफाई के लिए। सफाई के लिए। और वहां पर जब आप गए थे तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ था, क्या प्रक्रिया हुआ था जाने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन अंदर मतलब गए तो वहां से कैसा आपको ग्राउंड राउंड मिला था उसके बारे में बताइए। पहले जाने के बाद बैग बाहर करवाते थे, उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट अंदर बोलते थे अंदर ले जाओ, उसके बाद एक ग्राउंड में बैठाते थे, उसके बाद सब डॉक्यूमेंट हाथ में लेने कहते थे, उसके बाद कहते थे कि डॉक्यूमेंट ले, एक एक पन्ना देते थे जिसमें साइन और साइन करने के लिए और एक फार्म भरने के लिए, उसके बाद पूरा पूरा ड्रेस निकलवाते थे, उसके बाद मतलब ठंडी की बेला अगर थी तो जूता अगर पहने तो जूता निकाल दिए, उसके बाद टोपी, तब उसके बाद तो ग्राउंड में बैठाते थे, उसके बाद ग्राउंड में एक चक्कर ग्राउंड पूरा दौड़ाते थे, उसके बाद मेन रोड पे उसके बाद ले जाते थे, उसके बाद वह जगह जगह पे मतलब आर्मी वाले जगह जगह पे खड़े थे, वह देख रहे थे बच्चे कहीं गिर तो नहीं रहे हैं, मतलब कहीं घायल तो नहीं हुए आपस में लड़कर। तो उसके बाद वह बहुत से खाल था, उसके बाद ऊंच फिर खाल फिर ऊंच ऐसे ऐसे था, फिर आगे जाने के बाद फिर टर्निंग बहुत वहाँ पर भी आर्मी वाले लगे थे, वहाँ पर फिर टर्निंग करते थे, फिर उसी तरह सब बच्चे आते थे और इसी तरह प्रक्रिया पूरी होती थी। उसके बाद जो बच्चे दौड़ मारे उसको अलग, जो बच्चे नहीं मारे उसको अलग, उसके बाद एक उसी ग्राउंड में जगह बैठाते थे, उसके बाद फिर मतलब गिनती में तो गिनते थे। ठीक है, अभी आपको यह ग्राउंड का बता दी, मैं आपके व्हाट्सएप पे अभी को एक वीडियो भेजा हूँ और दिखाया हूँ जो उसमें अप डाउन था, ऊपर नीचे था, क्या उसी तरह एकदम था? हाँ, उससे ज्यादा थोड़ा टब था बस, तो ज्यादा और खाल भी था। तो आपसे मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा जो भाषा में होगा, भोजपुरी बेल्ट के हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, तो मैं उसको आपको अभी बता दे रहा हूँ कि बोल रहे हैं ऊपर नीचे खाल, ऊंच ऊपर नीचे बोल रहे हैं कि ऊपर नीचे अप डाउन था, और जो ऊपर नीचे रहता है, और मैं इनको जो वीडियो भेजा हूँ, वीडियो जैसे मोबाइल में देखने में इनको अनुमान नहीं लग रहा होगा कि कितना ऊपर नीचे, क्योंकि कोई भी चीज मोबाइल में देखने पे और रियल में देखने में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो मैं आपको ये जो फुटेज है ना स्क्रीन पर ऐड कर दूंगा, जो ये एक मिनट का लगभग वीडियो है 58-50 सेकेंड का, ताकि आपको भी अनुमान हो जाए कि कैसा वहां पे ग्राउंड एक्चुअल में था। बहुत आपका ग्राउंड डिफिकल्ट था। तो अब चलिए मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ कि अब सबके लिए क्या है कि वो जो ऊपर नीचे है किसके लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है, किसके लिए कितना आसान होने वाला है, कौन उस वहां के दौड़ को कितने मिनट में पूरा कर देगा अगर घर पे दौड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि आपको 24 मिनट में 16
5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर पूरा करना रहता है। यू हैव टू कंप्लीट 5 किलोमीटर डिस्टेंस विद इन 24 मिनट एंड दे विल प्रोवाइड यू एग्जैक्ट 24 मिनट टू कंप्लीट योर डिस्टेंस। ओके, तो इसमें सबसे अच्छी चीज है कि वो झोल नहीं करते हैं आपको, 24 मिनट घटा के 23.5 मिनट नहीं कर देते हैं। सबसे अच्छा यह पॉइंट है, आपको भी 24 मिनट पूरा वहां पे हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो दीपू पे गया हो, चाहे जोरहट पे गया, जोरहट तो शायद सेंटर नहीं बना था, दिमापुर बना था, जहां पे भी बना था, हाफलॉन्ग में हर एक कैंडिडेट को पूरा टाइमिंग दिया गया था। चलिए, इनसे मैं जानता हूँ कि आपका यहाँ पे ग्राउंड पे आपके कितने मिनट में कितना 5 किलोमीटर होता था। मैं यहाँ पर ग्राउंड पे 19:33 या 33:34 में मार्क में वहां से यहाँ से मैं गया था। अब आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो यहाँ पे अपने ग्राउंड पे मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में कवर कर रहा है और उसके बावजूद भी उसको वहां का ग्राउंड ऊपर नीचे जो टफनेस है ना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दैट द इंटेंसिटी ऑफ द टफनेस ऑफ द टेरेन कितना ज्यादा है। वो 24 मिनट में है लेकिन तो वो तो ठीक है कि पहले कंप्लीट कर लिए थे, आप कितने मिनट में वहां पे जाके पूरा कर लिए थे? 21 लग गया था। देखिए 21 मिनट में पूरा कर लिए थे। अब जरूरी नहीं है कि जो 24 मिनट में यहाँ पे रनिंग करते हैं वो आउट हो जाएंगे। मोस्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपका क्या रहता है कि आप निकाल ले जाओगे। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि आप रुकिए नहीं। जैसे कि क्या हुआ होगा, जब आप दौड़ रहे थे तो बहुत ज्यादा बच्चे बीच में रुक जा रहे थे, हाँ। उनको देख के हमारा मनोबल नीचे हो रहा था, अरे यार रुक गया तो मैं भी रुक जा रहा हूँ, ऐसा आपके अंदर हो रहा था? नहीं, मैं ऐसा नहीं किया। मैं ऐसे क्या कि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट जितने वहां पे अधिकतर तो मतलब दौड़ पूरा करने में असमर्थ रहते थे तो दूसरे का देख करके रुक जाते थे। बहुत सारे कैंडिडेट दूसरे का ऐसे ही देख देख के रुक जाते थे और फिर बाहर हो जाते थे, तो बाद में दिक्कत होगा, फिर बाद में जब आउट हो जाएंगे तो गाड़ी मारा जाएगा, ले जाके फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इनका देखिए इतने मिनट में होता था। अगर आप अगर कोई वहां पे जाके 24 मिनट में रनिंग कर रहा है यहाँ पे या 24 मिनट में, तो वहां पे निकालने का कितना परसेंट चांस रहता है? यहाँ पर तब वहां पर कोई चांस नहीं रहेगा, खास वहां की जो तब जमीन है बहुत डाउन है, बहुत मतलब अप है, डाउन है उसका जमीन, मतलब कि वहाँ पीच भी जैसे कोई मतलब अगर दौड़ा है तो मतलब खाल मतलब नीचे जाएगा तो पीछे उसको धक्का कोई दे रहा है, इतना मतलब वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, इतना खाल मतलब है। और फिर उसी तरह ऊंचान भी है चढ़ने में जो मतलब बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि जो वहाँ पे शूज पहन के दौड़े कि नहीं दौड़े? दौड़े बहुत दौड़े, जो मतलब दौड़ने में अच्छे थे वही दौड़े, जो मतलब दौड़ने बहुत। आज हम लोग तो ठंडी के मतलब मौसम में गए थे तो मोजा पहन के दौड़े थे, कैसे मतलब हमको पैरों कट जाता था इसलिए हम लोग मोजा पहने थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जूता निकाल के फेंक दिए थे कि मैं टाइम निकाल लूंगा, उनका क्या हुआ था पूरा नीचे से पैर का क्या हाल हुआ तो वो नहीं पता है, और कुछ को मजबूरी में बीच में रुकना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा जब स्टीप रहता है आपको नीचे जाना रहता है तो रिटार्ट करना होता है, और रिटार्ट जब आप करते हैं तो आपका पैर नीचे से पूरा छिलना शुरू हो जाता है और वो पूरा रोड पे होता है, रोड पे रहता है, रोड पीछे उसी पे होता है। तो बस इतना ही इस वीडियो में रखता हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ, आप खुद जाइएगा, खुद देख के आइएगा, दौड़ के आइएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद जय भारत।